वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। राइस हम सबके फेवरेट होते हैं। जब भी कोई मेहमान घर पे आ रहा हो तो राइस तो जरूर ही प्रिपेयर होते हैं, और वैसे भी वीक में कई बार राइस तो बनते ही रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो आप जब राइस पकाते हो तब बचे हुए राइस वाटर का क्या करते हो? आप उसको फेंक देते हो, उसको वेस्ट कर देते हो। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि राइस वाटर जो आप फेंक देते हो वो आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए बहुत ही मैजिकल इफेक्ट देता है। आपकी स्किन और हेयर की सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दम ये रखता है। पुराने टाइम में जो जैपनीज वुमन्स होती थी, जैपनीज फार्मर्स होती थी, वो नहाते वक्त राइस वाटर का यूज करती थी, जिसकी वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोइंग लगती थी। उनकी स्किन वैसे भी ग्लोइंग होती है, राइस वाटर से नहाने की वजह से उनकी स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग हो जाती थी। साथ ही साथ उनके हेयर्स भी काफी बढ़िया होते हुए आपने देखा होगा, जैपनीज लोगों को काफी ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर होते हैं उनके। वो इसी वजह से, क्योंकि वो राइस वाटर का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं। साथ ही साथ राइस वाटर के अंदर होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स, और विटामिन ए भी होता है जो एजिंग साइंस और डार्क स्पॉट्स पे भी वर्क करता है। एंड साथ ही साथ बढ़िया वाला हाइड्रेशन और ग्लो आपके फेस को देता है, जो आपकी स्किन को ग्लास क्लियर स्किन तो बना ही देता है। राइस वाटर के और भी बहुत सारे मैजिकल बेनिफिट्स है जो आगे साथ साथ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और आज के वीडियो में आपको तीन ऐसे तरीके हम बताने वाले हैं जो आप यूज करोगे राइस वाटर के साथ, ये वाले रेमेडीज अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ही बढ़िया वाला इफेक्ट मिलने वाला है अपने स्किन पे भी और अपने हेयर्स पे भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं तीन ऐसे तरीके जो आप यूज कर सकते हो राइस वाटर के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पहले तो राइस वाटर कैसे रेडी करना है। आपको आधा कप राइस ले लेना है और एक फुल कप पानी ले लेना है। अब इन दोनों चीज को एक जार के अंदर पूरी रात के लिए रहने देना है। उसको 7 से 8 घंटे तक ऐसे ही पानी के अंदर राइस को रहने दीजिए। उसके बाद आप राइस को अलग कर लीजिए छान के, एंड बचा हुआ मिल्की वाइट सा जो वाटर है वो हमारा राइस वाटर बनके रेडी हो चुका है। तो सबसे पहली रेमेडी है पिंपल्स, यानी कि एक्नी और डार्क स्पॉट्स के लिए। तो इसके लिए आपको कॉर्नफ्लोर लेना है 1 चम्मच, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच, मतलब कि जितना भी उसका पेस्ट बन जाए उतनी क्वांटिटी का आपको इसके अंदर राइस वाटर ऐड करना है। उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के ऐड कर देने हैं। इसका प्रॉपरली अच्छे से पेस्ट बना लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पे इसको लगा लेना है, एंड जब तक ये थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाए, मतलब के 7 से 8 मिनट तक इसको लगे रहने देना है, एंड फिर क्लीन वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। ये आपके स्किन के जो पोर्स है उनको टाइट करने का काम करेगा, डार्क स्पॉट पे भी असर करेगा, और एक्नी और पिंपल के प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी रेमेडी है रेडियंट ग्लोइंग एंड शाइनी स्किन के लिए, जो आपके फेस पे बहुत ही रेडियंस और शाइनीनेस लाने वाला है। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच बेसन ले लेना है, उसके अंदर 4 से 5 चम्मच राइस वाटर के ऐड करने हैं। इसके अंदर 1 चम्मच आपको हनी ऐड करना है। हनी जबरदस्त वाला मॉइस्चर आपके स्किन पे देने वाला है, और साथ ही साथ जो बेसन है वो एक्सेस ऑयल है उसको सोक कर लेता है, उसको खींच लेता है, एंड सारी ही जितनी रफ स्किन होती है वो भी अच्छे से क्लीन कर देता है। और राइस वाटर के फायदे तो मैंने आगे वीडियो में आपको बताई है। तो सारी इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसको प्रॉपर पेस्ट बना लेना है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा ठीक लगे तो राइस वाटर और ऐड कर सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको फेस और नेक पे इसको लगा लेना है। इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, एंड फिर क्लीन वाटर से अपना फेस वॉश कीजिए, एंड क्या जबरदस्त वाला ग्लो आपके फेस पे आएगा। बिल्कुल डीप क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल स्किन पोर्स आपके टाइट हो जाएंगे, एंड बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो भी आएगा। तीसरी रेमेडी है आपके हेयर के लिए। आपकी हेयर लेंथ आप बढ़ाना चाहते हो, हेयर की लंबाई बढ़ाना चाहते हो, तो राइस वाटर इसमें आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। आप जितने भी शैम्पूस देखते हो जो आपको कहते हैं कि आपके हेयर की लंबाई बढ़ा देगा, वो सब इसके आगे फ्लॉप है। राइस वाटर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी हेयर लेंथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ हो तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ये सॉल्व करता है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी तो बनाता ही है।
तो इसके लिए आपको अपना मन पसंद जो भी शैम्पू रेगुलरली आप यूज करते हो वो शैम्पू से शैम्पू कर लेना है। एंड जब आप शैम्पू धोते हो तब थोड़ा सा पानी से शैम्पू धोने के बाद जब फाइनली आपके हेयर थोड़े से क्लीन हो जाए उसके बाद आपको जो राइस वाटर है ये भर के अपने बालों पे डालना है, इससे अपने हेयर को वॉश करना है। अपने पूरे हेयर को राइस वाटर से गीले कर लेने के बाद 5 से 10 मिनट तक आप अपने बालों में इसकी मसाज कीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। राइस वाटर को अपनी इफेक्ट और गुडनेस अपने बालों में देने देनी है 5 से 10 मिनट तक। एंड उसके बाद क्लीन वाटर से आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। एंड क्या बढ़िया वाली शाइनिंग आपके हेयर पे आएगी, हेयर ग्रोथ भी इम्प्रूव होगा, हेयर लेंथ भी इम्प्रूव होगी एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो ये 3 बहुत ही आसान सी रेमेडी है, जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बिल्कुल केमिकल फ्री है तो आप आराम से यूज कर सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल वाली रेमेडीज है तो ट्राई करना एंड इसका फायदा देखना आपको कितना मिलता है। बहुत ही इफेक्टिव सी ये 3 रेमेडीज है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस आप तक आगे भी पहुंच पाए एंड आप देख पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।